हे गाइज, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी सेफ हैं, घर पे हैं, हेल्दी हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज एंगर, स्ट्रेस, इरिटेशन। ये प्रॉब्लम हम सभी लगभग फेस करते हैं। टीनेजर से लेकर 55 उम्र के लोग में ये ज्यादा दिखाई देता है। अब तक तो हम सभी को स्टडीज का स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, मैरिड लाइफ, किड्स, इन सब का स्ट्रेस था, लेकिन पिछले एक दो सालों से हम सबको इस पैंडेमिक का स्ट्रेस अंदर ही अंदर पूरा वीक बना रहा है। स्ट्रेस ज्यादा होने पर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, यहाँ तक कि हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है। आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को हार्म करता है स्ट्रेस। आप सबकी तरह आई ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड समटाइम्स, सो मैंने कुछ चीजें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड किया है जिससे मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो नॉर्मल रहता है। आई फील लाइट, आई फील पॉजिटिव, तो वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि मैंने अपने डे टू डे लाइफ में योगा को इंक्लूड किया है। अपने मॉर्निंग रूटीन वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एंड आई फील रियली हेल्दी। मैं हर सुबह योगा करती हूँ, एंड योगा सेशन के बाद मैं 15 मिनट मिनिमम मेडिटेशन जरूर करती हूँ। एंड मेडिटेशन जब से मैंने करना स्टार्ट किया है, आई हैव नोटिस्ड चेंज इन माई बिहेवियर, ऑन माई मेंटल हेल्थ। मैं आजकल बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, एंड इवन साइंटिफिकली इट्स प्रूवन मेडिटेशन एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। थेरेपी पर तो आजकल डॉक्टर्स भी बिलीव करते हैं। म्यूजिक आपके मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट करता है, मूड को इंस्टेंटली रिफ्रेश करता है। सो लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक कैन डेफिनेटली लिफ्ट अप योर मूड। लास्टली सेरोटोनिन। बीइंग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टूडेंट, मुझे पता है कि हार्मोन हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेरोटोनिन एक की हार्मोन है जो स्टेबिलाइज करता है हमारे मूड को, हमारा मेंटल स्टेट को, हमारे फीलिंग्स को। सो सेरोटोनिन सप्लीमेंट डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हफ्ते में 2-3 बार सेरोटोनिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपके स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो आप डोज को बढ़ा सकते हैं, हफ्ते में 3-4 बार भी ले सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेस लेवल। अब आप ये सोच रहे हैं कि सेरोटोनिन लेना क्या जरूरी है, इसे नहीं ले तो क्या होगा? अगर हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल कम हो जाती है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, वीकनेस हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती है। एंड आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन बड़े से बड़ा जो डिजीज है उन सब की शुरुआत ही यही से होता है। इन सब प्रॉब्लम की वजह से आपको डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, इम्प्रॉपर डाइजेशन हो सकती है, हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है, वीकनेस फील हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस तो बहुत ज्यादा कॉमन है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फीमेल बॉडी में पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एंड यू ऑल नो, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सप्लीमेंट आई ओनली मीन ओजीवा, ओजीवा एंड ओजीवा, बिकॉज व्हाई नॉट। काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैं क्यों सिर्फ ओजीवा के ही सप्लीमेंट्स यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है ओजीवा पर। मैंने और मेरी फैमिली ने ओजीवा के कितने सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, इनफैक्ट अभी भी करते हैं हर रोज, तो हम लोगों को बेनिफिट्स भी मिले हैं और एक ट्रस्ट आ गया है ओजीवा पर। सेरोटोनिन क्या है ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन सेरोटोनिन किस तरह से हमारे स्ट्रेस को कम करता है, या फिर मार्केट में तो कई सारे एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स अवेलेबल है मेडिकल शॉप्स में, तो वो क्यों नहीं मैं सजेस्ट करूंगी आप सबको, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओजीवा सेरो D3 प्लस 3 ब्लेंड्स का एक कॉम्बिनेशन है, सेरोटोनिन बूस्टर ब्लेंड, स्ट्रेस बस्टर ब्लेंड एंड एंजाइटी रिलीफ ब्लेंड। इन तीनों ब्लेंड का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे ब्रेन सेल्स और बाकी नर्व सेल्स में कम्युनिकेशन को बेटर करता है, जिससे कि एंजाइटी, स्ट्रेस कम होती है, डिप्रेशन दूर होता है, आपकी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करता है। इनफैक्ट इसके अंदर D3, जिंसेन, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट है जो स्ट्रेस, एंजाइटी को रिलीव करने में काफी हेल्प करता है। माइंड को काम करने में ये हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर कामोमाइल, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कवच बीज है जो कामिंग के लिए काफी अच्छा है। ओजीवा सेरो D3 प्लस में
242 mg सेरोटोनिन बूस्टर्स, 10 mcg विटामिन D3 है जो कि कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, एंगर मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा है, स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीफ करता है, इनफैक्ट एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स को भी काफी अच्छे तरीके से रिड्यूस करता है क्योंकि इसके अंदर टायरोसिन थियोनिन है, इनफैक्ट इसके अंदर मेलाटोनिन भी है जो कि काम करता है बॉडी को। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये वीगन है, सोय फ्री, नॉन GMO एंड कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। रहे हैं कि मैंने क्यों इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है या फिर मुझे किस तरह का स्ट्रेस है। एक्चुअली इस पैंडेमिक सिचुएशन में चारों ओर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे मेंटल हेल्थ पर तो इफेक्ट पड़ता ही है, और जब मेरे एग्जाम्स पास आते हैं ना तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ कि मुझे हमेशा ये डर होता है कि मुझे PCOD ना हो जाए, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं हमारा लाइफस्टाइल भी उल्टा फुल्टा हो जाता है एंड जिससे कि PCOD PCOS होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि इसे डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हफ्ते में मैं 2-3 बार इसे लेती हूँ, उससे ही मुझे काफी लाइट फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है। आजकल हर चीज में मुझे पॉजिटिविटी मिलती है एंड मुझे मेरे बिहेवियर में, मेरे मेंटल स्टेट में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस हो रही है। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट रीजन था वो है मेरी मॉम को ना स्लीप डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा है, तो मुझे लगा इसे इस्तेमाल करके आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी काफी हद तक इम्प्रूव होती है एंड वो भी इसे 4-5 times हफ्ते में लेती है जिससे कि उनका स्लीपिंग पैटर्न भी काफी इम्प्रूव हो रहा है। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस। अब क्वेश्चन है कि इसे कौन कौन ले सकता है, मेल फीमेल सभी ले सकते हैं, बट 18 इयर्स के अबव के एज के लोग ही इसे ले सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से बिलो है तो आप इसे नहीं लीजिए। कब इसे लेना है, डिनर या लंच के बाद आप इसे ले सकते हैं, लेकिन जब भी ले आपको 2 कैप्सूल साथ में लेना है तभी इसका जो डोज है वो कंप्लीट होगा। अगर आप ओजीवा सेरो D3+ को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, उन्हें रिप्लाई करती हूँ। So yeah, that's it for today's video. Stay blessed, stay happy, stay healthy and bye.